तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक जानकारियां लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। व्यूआर्किटेक्चुरा कंस्ट्रक्शन, यहाँ लकड़ी के द्वारा इस घर का निर्माण कार्य चल रहा है। और आप यह बात जानकर काफी हैरान रह जाएंगे कि यहाँ इस घर की दीवारों के निर्माण के लिए लकड़ी या कंक्रीट नहीं, बल्कि सूखी घास का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक प्रकार की पराली होती है, जो यूं ही खराब चली जाती है, लेकिन उसे किसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सके तो उसके लिए इसे दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पराली के चकोर आकार के भागों को तैयार कर लेने के बाद इन्हें सघनता देने के लिए इनके ऊपर एक द्रव को डाला जाता है। इसके बाद इसे लकड़ी के खंभों और फ्रेम के बीच में एक के ऊपर एक रखकर अच्छे से बैठा दिया जाता है। इसके बाद इसे फिनिशिंग देने के लिए ब्लेड से बाहर निकले घास को काट दिया जाता है, और उसके बाद कारीगर इसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं और यह बिल्कुल सामान्य दीवार की ही भांति नजर आने लगती है। घास की दीवार के इस्तेमाल से सर्दियों में इस घर के अंदर का तापमान सामान्य रहता है, जिससे हीटर इत्यादि चलाने की आवश्यकता नहीं रहती, और गर्मियों में यह ठंडे रहते हैं, जो इस घर को रहने के लिए काफी अनुकूल बना देता है। नॉन ऑटोकार्ब अरेटेड कॉन्क्रीट, यहाँ इस फैक्ट्री में कारीगर पारंपरिक ईंट से कहीं अधिक सस्ती ईंट का निर्माण कर रहे हैं। इसे तैयार करने से पहले सीमेंट, सिलिका, एल्यूमिनियम पाउडर और पानी का मिश्रण बनाकर एक घोल तैयार कर लिया जाता है, और फिर उसे बड़े मोल्ड के अंदर डाल दिया जाता है। इसे पूरा ऊपर तक नहीं भरा जाता, क्योंकि यह घोल कुछ समय के बाद खमीरे की ही तरह फूल जाता है, इसमें होने वाली केमिकल रिएक्शन के कारण। इसके बाद कारीगर इस मोल्ड से ऊपर फालतू निकले सीमेंट को साफ कर लेते हैं, और इसके सांचे को भी खोल लिया जाता है, और आगे पतली पतली तार के द्वारा इसे छोटे चकोर आकार में काट लिया जाता है। और फिर इसे बाहर निकालकर कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है, और जिसके बाद यह कंक्रीट के ब्लॉक दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंक्रीट पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग, यहां जमीन के अंदर सांचे में यह महिला कंक्रीट के पाइप का निर्माण कर रही है, जिसके अंदर यह पहले सरियों के बेलनाकार जाल को डाल देती है, और फिर इसके ऊपर कंक्रीट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है। उसे अच्छे से भर देने के बाद एक अन्य मशीन इस सांचे के ऊपर दबाव बनाती है, और उस कंक्रीट के पाइप को उसी समय ठोस भी बना दिया जाता है। और जब इस पाइप को बाहर निकाला जाता है तो यह पाइप अपना आकार ले चुका होता है, जिसे अन्य कारीगर वहां से उठाकर ले जाता है। फिक्स टू GT, इस प्रकार का अत्यंत शक्तिशाली ग्लू शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार यह कारीगर इस ग्लू से ईंटों को एक के आगे एक चिपका देता है। यही नहीं, यह शख्स उनके ऊपर खड़ा भी हो जाता है। इस ग्लू के द्वारा ईंट को सीधा छत के साथ भी चिपकाया जा सकता है। इसके एक कदम और आगे चलते हुए यहाँ कारीगर दिखाता है कि किस प्रकार इस ग्लू को पानी के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहां पर भी इसकी ताकत कम नहीं होती। ईंटें आपस में बहुत मजबूती के साथ चिपक जाती हैं। जिन्हें हथौड़ा मारकर भी नहीं छुड़ाया जा सकता। अक्सर इस प्रकार के ग्लू को कंस्ट्रक्शन के काम पूरा हो जाने के बाद जब कभी हल्की फुल्की टाइल इत्यादि उखड़ आती है या फिर शीशा इत्यादि दीवार पर लगाना होता है तो वहां इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे दीवार निर्माण में इस्तेमाल करना व्यवहारिक नहीं लगता। प्रीफैब्रिकेटेड कंक्रीट हाउस, क्या आपने कभी सोचा कि एक बड़ी कोठी जैसे घर को केवल एक हफ्ते में तैयार किया जा सकता है? जी हाँ, आज के समय में ऐसा संभव हो पा रहा है।
चीन में यहाँ इस कोठी के निर्माण के लिए पहले से ही तैयार कंक्रीट के बड़े बड़े भागों को फैक्ट्री में तैयार कर लिया जाता है ग्राहक की मनपसंद आकार की कोठी के डिजाइन के अनुसार, जिसके बाद केवल नींव इत्यादि एवं एक प्लेटफॉर्म बनाकर इन भागों को एक के ऊपर एक वहां रखकर केवल फिक्स करना होता है और धीरे धीरे वहां एक कोठी बनती जाती है। एक ढांचा तैयार कर देने के बाद एवं उस पर अंतिम फिनिशिंग देने के बाद केवल एक ही हफ्ते में वह घर बनकर तैयार हो जाता है और जिसके अंदर आप रहना भी चालू कर सकते हैं। MC इंजेक्शन 2133। अक्सर दीवारों से कई बार पानी लीक होकर बाहर निकलने लगता है, जिसका कारण कोई पाइप इत्यादि का फटना नहीं बल्कि बाहर से किसी अन्य स्रोत के द्वारा पानी का रिसाव होता है। तो उस स्थिति में दीवार को तोड़कर पुनः दीवार का निर्माण कर पानी को रोकना काफी लंबा और अधिक खर्चीला काम हो सकता है। तो उसी काम को जल्दी और आसानी से करने के लिए इस कंपनी द्वारा एक खास द्रव का निर्माण किया गया है, जिसे आपको उस रिसाव वाली जगह में डालना होता है और वह द्रव पानी के साथ क्रिया करके उस द्रव को छेद में फुलाकर ठोस बना देता है, जिससे पानी का रिसाव केवल कुछ ही मिनट्स में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यहाँ उदाहरण के रूप में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार यह द्रव एकदम से फूल कर किसी भी जगह को भर कर बंद कर सकता है। कर्व्ड प्लास्टर बोर्ड सीलिंग। यहाँ इस कारीगर द्वारा फॉल्स सीलिंग का निर्माण किया जा रहा है और इस फॉल्स सीलिंग को एकदम बेहतरीन फिनिशिंग देने के लिए धातु के लचीले सांचे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उस फॉल्स सीलिंग के डिजाइन में गोलाई में फिनिशिंग जबरदस्त आए। धातु के सांचे को लगाने के बाद वहाँ मोटे कार्डबोर्ड को उसमें फिक्स कर दिया जाता है और फिर से लोहे के उस सांचे को उसमें लगा दिया जाता है और फिर कार्डबोर्ड से उसे ढक देने के बाद उस पर व्हाइट सीमेंट लगाकर अंतिम फिनिशिंग दे दी जाती है और जिसके बाद वह फॉल्स सीलिंग अत्यंत सुंदर नजर आती है। स्ट्रक्टा वायर। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण के दौरान उन्हें लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार की लोहे की जाली का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो यह जाली पारंपरिक जाली की ही भांति होती है, मगर इसके इस्तेमाल से उस इमारत की दीवारें आम दीवारों के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत बन जाती हैं। पिलर इत्यादि के निर्माण के बाद इन जालियों को वहां लपेट दिया जाता है और उसके ऊपर फिर बाद में कंक्रीट के मिक्सचर का छिड़काव किया जाता है, जिससे उन पिलर और दीवारों की मजबूती और अधिक बढ़ जाती है। पैटरसन शोरिंग। यह कंपनी घरों को ऊपर उठाने का काम करती है। घर चाहे कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, यह कंपनी जैक के द्वारा घरों को अधिकतम से अधिकतम ऊंचाई तक उठा सकती है। कई बार घर जमीन में धंसने लगते हैं या फिर कई बार बेसमेंट का निर्माण करना होता है, तो यह कंपनी उन सभी प्रकार के कामों को निपटाने के लिए घरों को ऊपर उठाने में मदद करती है, जिससे लोगों को घर को पूरा तोड़ने या उसे छोड़ने की बजाय इस प्रकार भी ठीक करने का विकल्प मिल जाता है। द हार्मलेस होम। बहुत से देशों में पर्यावरण के प्रति आई जागरूकता के कारण न केवल वहां की सरकारें बल्कि आम लोग भी प्रकृति के लिए कम हानिकारक विकल्प ढूंढ रहे हैं घर निर्माण के लिए। तो यहाँ इस भव्य घर निर्माण के लिए इस घर के मालिक ने ईंटों और कंक्रीट के विपरीत गत्तों और वेस्ट से तैयार बड़े बड़े ब्लॉक से घर निर्माण का फैसला लिया। इन ईंटों में छोटे छोटे नॉब निकले होते हैं, जिनके कारण यह ईंटें आपस में आसानी से फिक्स हो जाती हैं। यही नहीं, यह वजन में भी काफी हल्की होती हैं। साथ ही साथ इनमें दीमक लगने जैसी भी कोई समस्या नहीं होती। इन ईंटों के उपयोग से घर निर्माण का काम काफी कम खर्चे में भी हो जाता है और घर को मजबूती भी काफी अच्छी मिलती है। यदि सभी लोग पर्यावरण के प्रति इतना अधिक जागरूक हो जाएं, तो अवश्य ही हमारा आने वाला कल काफी हद तक चिंता मुक्त हो सकता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।